बहु पति विवाह, ऐसा कोई ऋग्वेद में तो देखो उल्लेख आता नहीं, लेकिन हो सकता है और देखिए तो आज तक का इतिहास भी उठा के देखें तो बहुपति विवाह का उल्लेख सिर्फ एक ही उदाहरण मिलता है, वो है द्रौपदी, द्रुपद की पुत्री थी। इंगो भी एक संयोग सहयोग क्यों बिचारी हुआ, कोई छापे को नहीं, कई बार संयोग वैसे के कह शादी तो एक सा गई हुई और इसे जीत के भी एक ही लाया था। ये वैसे देखे तो अर्जुन की ही पत्नी थी, कहानी इस प्रकार की थी, वो लेके आई माँ बिचारी को मुंह फेर रखियो कुंती, तो पीछे हूं भाई कोड कोड में बोले माँ एक चीज ले गया, तो बेटा मैं कह रहा थी बांट दे वापस। अब द्रौपदी के कुंती के भी अफसोस हो, मैं आमुंड की बोलती हूँ भाई, क्योंकि उस समय एक तरीके से माता की ज्यादा चली करती थी, माता का आदेश ही सर्वोपरि आदेश था। अब द्रौपदी पांचवा कान देखे, अब भीमबर का खड़िया दिखे, तो वो जाहिर सी बात है मना ही करेगी भी, द्रौपदी ने भी मना कर दिया, आनाकानी शुरू कर दी। भगवान कृष्ण को पहले से पता था पूरी स्टोरी का, भगवान कृष्ण आ गए उस समय, बोले महाराज थे ही करो कोई समाधान। तो द्रौपदी ने कहा कि तू मना तो कर रही है लेकिन तेरे याद को नहीं, तो एक बार एक वरदान मांगियो शिव जी को, बोल के वरदान मांगियो। तो द्रौपदी ने एक बार क्या बाकी थोड़ी बोली सियाणी दो बर बोए, तो द्रौपदी एक बार बोली समझदार बनी, तो बोली समझदार बन के शिव जी को वरदान मांगियो, वरदान ही प्रकार को मांगियो कि एक वरदान में पांच वरदान प्लेटिए मांगिया, प्लेटिए मांगिया, बोले वो बोल मांग भी मांग बेटा मांग, बोलती मन नहीं इसी पर चाहिए जो को धर्म का सर्वश्रेष्ठ रक्षक, सर्वश्रेष्ठ गदा धर्म, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर्म, सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज और सबसे सुंदर हो। शिव जी बोले बावड़ी ये पांचों लक्षण एक आदमी भय को, क्योंकि आदमी कभी भी ऑलराउंडर नहीं हो सकता दुनिया का कोई आदमी, ये पांचों गुण एक आदमी में कभी समा ही नहीं सकते, मेरा आप में को नहीं है पांचों गुण, तो पांचों गुण नहीं हो सकते। बोल नाम मन तो ही चाहिए, ठीक है भी चाहिए तो तथास्तु। सर्वश्रेष्ठ धर्म का रक्षक युधिष्ठिर, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, सर्वश्रेष्ठ पांचों लक्षण, इनकी वजह थोड़ा सा वरदान की वजह वहां गड़बड़ होगी, बाकी उदाहरण ये सिर्फ आपको एक ही मिलेगा बहुपति विवाह का, ये भी बहुत बाद में है, बाकी ऋग्वेद में इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत ही बढ़िया शब्द है।